हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज संडे है। बोलो संडे। आज सभी घर पे भी हैं। आज संडे है तो जो है आज घर पे काम भी नहीं हो रहा था, वो लोगों ने संडे को छुट्टी किया था। आज हम लोग की नींद पूरी हुई, हम लोग आराम से उठे। चुड़ैल आई है। चुड़ैल ये मैं हूँ। चुड़ैल ये मैं हेयर कट का वेट कर रही हूँ, मम्मी कभी मेरा बाल काटेंगे। हाँ यार, सैलून वाले ना बच्चों के बाल नहीं काटते हैं, बोलते लड़की है हम लोग बाल नहीं काटेंगे, पार्लर में ये जाना नहीं चाहती हैं। तो अभी चल रही हूँ मैं, इनका खुद हेयर कट करूंगी। भगवान भरोसे है बाल कट। अरे नहीं नहीं, इतना इतने रिस्की इंसान से बाल कटवा रही हूँ तो मैं सिर्फ पीछे का बाल कटवाऊंगी, आगे का नहीं कटवाऊंगी। नहीं आता है मुझे, ये लोगों ने मुझे वो क्या बोलते पार्लर वाली बना दिए, दर्जी से नाई बना दिया, प्रमोशन। वैसे मैं टेलर थी और मुझे ना सलून वाली बना दिए ये लोग। तो अभी इसका मैं बाल कट करने जा रही हूँ और हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं गेम खेलने के लिए, तो इसका हेयर कट कर दूं चुड़ैल का, क्योंकि बहुत देर से ऐसे हम लोग को डरा रही है। फिर उसके बाद जो है हम और देखते हैं कि पीहू कहाँ पे हैं। आज पीहू का तबीयत थोड़ा सा खराब है, उसको बुखार है, तो मैडम थोड़ा सा लो फील कर रही हैं। हे पीहू, क्या कर रहे हो बेटा? कलर कर रहे हो? आज जो है मैंने इसको ये कलर दिला दिया है, रंगीला कलर, लिक्विड कलर होता है। सारा दिन बैठ के ये कलर करती हैं, ये देखिए, कहीं कभी मम्मी बनाएंगी पापा बनाएंगी। ये बेटा कौन बना है? ये तो मुझे तो मक्खी लग रही है, हाउस फ्लाय। क्या बना है? एक लड़की है। ये एक लड़की है, तो लड़की के हाथ तो विंग्स जैसे लग रहे हैं, जैसे पंख है और उड़ जाएगी। हाथ है। अभी भी चुड़ैल जैसा घूम रही है, तो दोस्तों मैं इसका बाल कट करके आ जाऊं पहले। नहीं तो सारा दिन हम लोग को डराती ही रहेगी। सच्ची में संडे आता क्यों है? सबकी छुट्टी हो जाती है एक दिन काम करने और हम लोग की छुट्टियां नहीं होती है, उल्टा हम लोग का काम बढ़ जाता है। लोग घर पे रहते हैं, अभी देखो कपड़ा भी सिलने का है क्योंकि कारपेंटर नहीं है घर पे, तो कस्टमर लोग के काम करके देना है, तो पता चल रहा है इनका बाल काटना है तो कोई बोलता है मेरे ये काम करो वो काम करो, उल्टा जो है ना सारे दिन काम कम हो जाते हैं, संडे को ज़्यादा हो जाता है। ए सर ऊपर करके खड़ी हो रे बाबा, क्योंकि बाल आगे का नहीं काटने का है। यहाँ आ जा। दिस इज हेयर कट टाइम। कितना काटना है बेटा? तो रात को कटवाओ ना, पापा भी रहेंगे खाना खाने के बाद। वो तेल नहीं लगाने मिलेगा तब तक, ढंग से काटना भाई, एलियन मत बुला के भेजना, का स्कूल है मेरी रेपुटेशन भी ऐसे का ज्यादा कम। हाँ वो जैसे स्लोप में जाता है ना, यू शेप में, इसी काट दो मुझे वो दे। इससे अच्छा मैंने पार्लर का कोर्स कर लिया होता तो बच्चों के काम आते। कितना डर लग रहा है मम्मी से बाल कटाने में। ज्यादा मत काटना, रुको पहले थोड़ा काट रही, मेरी कैंची बड़ी है, टेलर की कैंची है ये, देख लो काटना। अरे पापा तेरे इसे पकड़, मैं इसे काटती जाती हूँ। इता नहीं, इतना इता मुंडी पर करो। गाइस फाइनली मम्मी ने मेरा ऑपरेशन कर दिया, आई मीन सर्जरी, वॉट एवर यू कॉल इट, हेयर कट हो गया है मेरा। थोड़ा अजीब दिख रहा है, लाइक बहुत अजीब दिख रही हूँ मैं, मेरे बाल कितने थे मुझे याद भी नहीं है, बट अजीब लग रहा है ये बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे पीछे के बाल ना एकदम मोड़े गए हैं। जब मुझे नहीं आता है जबरदस्ती कटाओगे तो क्या होगा? बोली थी बेटा पार्लर जाओ कटा के आओ, नहीं आप काट के दो, मेरे को कहीं नहीं जाना। नहीं मुझे नहीं जाना है, एलियन ही बन के घूमना है। पार्लर का हेयर कट अच्छा नहीं लगता, जीप जो काट देते हैं वो एलियन जैसा घूमो, मेरे दो शिंग हैं बस।
तो दोस्तों श्रद्धा का तो बाल कट हो गया, उसको पसंद नहीं है, इट्स ओके। अभी टेलर से बाल कटवाओगे तो कैसा लगेगा, वैसे इसका लग रहा है। टेलर से हाथ पैर कटाए जाते हैं बाल। हाँ मैं ना हाथ काटने में एक्सपर्ट हूँ, स्पेशलिस्ट गला काटने में एक्सपर्ट, पैर काटने में। तो ऐसे इंसान को बोलोगे मेरा गला मत काटो मेरा बाल काटो तो कैसे काटेगा वो। तो वैसे इसका भी मैंने कट कर दिया है। और मैं सोच रही हूँ ना कि श्रद्धा ने एक शॉर्ट्स वीडियो में किया था, ये करके दिखाओ, तो ये बाकी लोगों को घर में नहीं आता है, तो मैं सोच रही हूँ और लोग को ट्रायल करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों रेडी हो तुम लोग? तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि पीहू करेगी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती करवा रही है, वो बोल रही है मुझे भी करना है वो चैलेंज। तो पीयू रेडी, आर यू रेडी? चलो करो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वेरी गुड। तो जो है पीहू ने कर दिया है, तो जो है अभी रानी की बारी आ गई। देखो कैसे एटीट्यूड कर रहे, देखो भाव खा रही है भाव। चलो करके दिखाओ, लेकिन तुमने श्रद्धा जैसा नहीं किया है पीहू का, तो चलो कोई बात नहीं। करना नहीं आता मुझे, डायरेक्ट आता है जो कि मैंने कर दिया। नानू मैं बताती हूँ ऐसे, देखो श्रद्धा इज अ रॉक स्टार, श्रद्धा इज पजामा स्टार। चलो आजा सुहानी, मैं नहीं तो कौन दे, जा यहाँ से। बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन दे, तू ही है पजामा स्टार, जा यहाँ से। तो दोस्तों ये लोग की तो लड़ाई चलती रहेगी। अभी आ गई है बारी सुहानी की। सुहानी दो मिनट, मम्मा इधर इधर कैमरा इधर, चलो सुहानी रेडी? यस। चलो स्टार्ट, 1 2 3 गो। छोटा छोटा हाथ है कैसे होगा। वाओ सुहानी ने कंप्लीट किया टास्क का। अभी बारी आती है श्रद्धा की। चलो श्रद्धा जाओ, ओनली रॉक स्टार। अभी बारी आती है श्रद्धा की, जो कि इसको हम लोग को पहले से पता कि इनको आता है, तो भी चलो स्टार्ट। वाओ ओवर एक्टिंग, थैंक यू, ओवर एक्टिंग, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये लोग का तो चैलेंज कंप्लीट हो गया है, जो कि जीता है श्रद्धा वर्मा ने, पीयू ने, पीहू ने, ये क्योंकि हमारी लाडली बिटिया है। मेरा बाबू का ना तबीयत खराब था, तो भी इसने बोला नहीं मम्मा कर लो, मेरा तबीयत ठीक है, बुखार हो गया, अचानक ही खेलने गई थी वहाँ से आई थी, इसको बुखार हो गया, तो भी बोलती है नहीं मम्मी मैं चैलेंज करूँगी आप करिए। तो दोस्तों अभी चलो शाम होने वाली है, मैं जाके भाजी लेके आती हूँ। वही क्वेश्चन, आज क्या बनेगा, टेस्टी टेस्टी खाना। तो जो हमारे सैफ है घर की, मैं प्यार से कुकर बोलती हूँ, तो कुकर जी बताइए क्या बनेगा आज, बनेगा मटर पनीर। तो मटर पनीर बनेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा पनीर के लिए एक दुकान पे, भाजी के लिए भाजी मार्केट जाना पड़ेगा, तो भी अच्छा खाना तो मिलेगा। चलो मैं जल्दी से जाके भाजी लेके आती हूँ। मम्मी हम लोग के पीयू के पैर में क्या डिफरेंस करती है, हम लोग को डांट दे दे के पैर करती, उसको किसी दे दे के पैर करती, क्योंकि मेरा छोटा बाबू है ना अभी नहीं समझता है। ए एक मिनट, हम लोग को कूट के धर देती थी, इतना भी छोटा नहीं है ये, मारती है मेरे को देख लेती है तो वो छोटा। मटर छील लिए तकरीबन, मटर आधा किलो है, और ये रहा पनीर, मेरा पनीर भी क्यूब शेप में काट के हो गया है। मैंने लिए हैं टमाटर, ये कुछ 5 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और प्याज ले लिया है, 5 प्याज भी है। टमाटर और प्याज को रफली चॉप कर लेंगे, इसे बारीक नहीं काटना है क्योंकि हम इसे पीसने ही वाले हैं एट द एंड, तो रफली चॉप करो, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आज मेरे घर पे मटर पनीर बनने वाला है, रानी बना रही है,
तो जो है इसमें बोलते हैं ना कि खाना जो है हेल्दी होने के साथ साथ में टेस्टी भी होना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मटर पनीर की जो सब्ज़ी होती है थोड़ा हैवी फूड में आता है, वो जो है थोड़ा सा मतलब ऑयली भी होता है, स्पाइसी भी होता है, जो कि थोड़ा सा नुकसान करता है, जो थोड़े एज वाले जब भी हम लोग हो जाते हैं वो नुकसान करता है। तो इसके लिए कि मटर पनीर उस सब्ज़ी को आप टेस्टी कैसे बना सकते हो, साथ में हेल्दी कैसे बना सकते हो, हेल्दी भी रहे और प्लस टेस्टी भी रहे, तो ये एक ना सीक्रेट है। लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके देखेंगे तो फिर ये मत बोलिएगा कि हमने वैसे ही बनाया था और हमारा ख़राब हो गया। लास्ट तक बिना स्किप करे देखिए कि कैसे बना रही हूँ। इसे भी छील लिया है, अनियंस रफली चॉप किए हैं, बारीक नहीं काटे हैं क्योंकि अभी इनको हम भूनने वाले हैं, फिर पीसेंगे इसीलिए गल जाएगा, तो उसको डाइसली चॉप किया। तकरीबन 5 अनियन थे, 6 टमेटोज थे, इसे भी हमने ऐसे रफली चॉप किया हुआ है, इसे भी अनियन के साथ डालेंगे तो वो भी गल जाएगा। खड़े गरम मसाले लिए हैं, 3 से 4 तेजपत्ता है, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, ये पत्थर फूल, चक्री फूल और लौंग लिया है, एक इलायची भी ली है, इलायची फ्लेवर के लिए लिया है, इसे कूट के डाल देंगे तो उससे स्वाद बढ़िया आता है, और 10 मिर्ची लिया है, एक इंच का ये अदरक है, इसे मैंने इसे लंबे लंबे काट लिए हैं, और ये लहसुन है, कम से कम 2 आड़ी लहसुन है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, मैं इसे पैन में हल्का सॉल्ट डाल के सॉटे कर लूँगी। कढ़ाई चढ़ा लिया है गर्म होने के लिए, और कढ़ाई भी अभी गर्म हो चुकी है तो इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, तेल बहुत ही थोड़ा सा अभी डालेंगे, इससे ज़्यादा तेल नहीं करना, नहीं तो फिर वो बहुत ऑयली ऑयली हो जाएगा, क्योंकि तो इसमें एक बार तेल और पड़ेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें अभी मैं लहसुन, मिर्ची और जिंजर डाल दूँगी, अदरक, इसे थोड़ा संभाल के चलाना क्योंकि ये थोड़ा दबता है, मेरे ऊपर ऑयल आ चुका है इसका, इसीलिए कह रही हूँ। और इसमें अभी डाल देंगे अनियन डाल के 2 मिनट चला लेना है, ये 2 मिनट हो चुका है इसको, तो अभी इसमें टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर और इसको गलाने के लिए नमक, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालने के बाद में भी इसमें एक बार और नमक पड़ेगा, बस इसे गलाने भर का नमक डाल देंगे इसमें, और इसे अब हम धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे, धीरे धीरे धीमी आंच पे ये हो जाएगा, धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे भी छोड़ सकते हैं, बट मैं धीमी आंच ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अच्छे से नमक मिक्स कर देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे ढक के भी छोड़ सकते हैं। और अब दूसरे गैस पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया है, इसमें हम पनीर को सॉटे कर लेंगे, मैं पनीर को डीप फ्राई नहीं करती क्योंकि वो बहुत ऑयली हो जाता है, तो अभी मैं इसमें बस हल्का सा तेल डालूंगी और उसमें पनीर को सॉटे कर लेंगे, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑयली भी कम हो जाता है खाना और जो टाइम भी बच जाता है, क्योंकि मैंने अभी एक गैस पे चढ़ा दिया है टमाटर प्याज को गलने के लिए, अभी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सॉटे भी कर ले रही हूँ तो इसमें टाइम की भी बचत होती है। बस थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अभी तेल अच्छे से गर्म हो जाए, ये पनीर मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, इसे ज़्यादा मत नहीं करना है, बस ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, फिर हम कर लेंगे गैस बंद
ऐसे हो ही चुका है, गैस बंद करना है। पनीर ऐसे जब गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो खाने में वो कच्चा वाला टेस्ट भी नहीं आता और अच्छा भी लगता है, सॉफ्ट भी रहता है, कड़क भी नहीं होता। जब इसको हम पूरा डीप फ्राई कर देते हैं तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है ऊपर से, तो ये सॉफ्ट भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा। और पनीर को तुरंत पैन में से निकाल लेना, अगर पैन में छोड़ दोगे तो फिर ये थोड़ा और पक जाएगा, तो वो नहीं करना है, इसे तुरंत निकाल लेना है। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं। और ये कांदा पूरी तरीके से अच्छे से गल गया है। अब कर लेंगे गैस पर और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये जब गर्म रहे तो इसको बिल्कुल मिक्सी में नहीं चलाना है, क्योंकि आप अब मिक्सी में चलाएंगे उसके अंदर हॉट एयर बनेगा और आपका मिक्सी ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब मिक्सी नहीं ब्लास्ट होगा, उसकी जो मसाले वाली कटोरी होती है वो उड़ जाएगी और पूरे किचन में आपका ये मसाला मसाला हो जाएगा। जितना भी मैंने खड़ा गरम मसाला लिया था, अब मैं उसको कूट लूँगी। इसको फाइनली पे खूनना नहीं है, रफली बस इसको ऐसे कूट लेना है कि ताकि इसका थोड़ा सा टुकड़ा हो जाए और इसके फ्लेवर्स ऑयल में जाते ही पूरा मिल जाए अच्छे से। धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, इसका पानी डाल के थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट बना ले। इससे क्या होता है मसाले फूट जाते हैं और ये भी अच्छे से पकते हैं तो इनका फ्लेवर बढ़िया आता है। उसको भी ऐसे भिगो लेना है। जस्ट अभी मैं कढ़ाई चालू करने जा रही हूँ तो मैंने भिगो लिया। ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसे में तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि पहले तो हमने तेल इसमें डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ही तेल लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें खड़ा मसाला डाल लेंगे, इसको चला लेंगे बढ़िया से। और जो पेस्ट मसालों का बन नहीं, अभी इसमें डालेंगे मटर। मटर डाल के ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट चला लेना है। ये मटर हो गए हैं, मटर को ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो फिर मटर सूख जाएगा, इसका बस छिलका बचेगा। तब इसमें डाल लूँगी मैं मेरा खड़ा गरम मसाला, मतलब पिसे मसाले का जो मैंने पेस्ट किया, जो पिसे मसाले का पेस्ट जो मैंने रेडी किया था मैंने वो डाल दिया है। इसको डाल के 2 मिनट बस चला लेंगे। अब ये मसाला एकदम परफेक्टली हो गया है। इसमें अब हमने जो अदरक लहसुन मिर्ची टमाटर प्याज को अच्छे से गला के इसको ठंडा कर लिया था, उसका पेस्ट मैंने बना लिया, वो पेस्ट को अब मैं इसमें डालूंगी। और इस पेस्ट को अब अच्छे से पका लेना है। और इसमें थोड़ा सा पानी भी अभी मैं ऐड करूँगी, जिस बर्तन में पीस के रखा था उसको वॉश करके, तो थोड़ा सा पानी और इसको बढ़िया से पका लेना है। आपको चाहिए तो आप इसमें एडिशनल कलर के लिए फूड कलर या कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालती है इसे क्योंकि वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। तो यार इसमें बस तेल बाहर आने तक अभी इसे अच्छे से पकाना है। मैंने इसमें पानी मिला लिया था इसको पकाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, तो मैंने पानी मिला लिया है। ये मसाला आधा हो चुका है, कम्प्लीटली अभी हुआ नहीं है हमारा, तो इसमें अभी हम जो पनीर थे पनीर को डाल लेंगे। इससे क्या होगा कि पनीर में भी मसाले का पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। और अब इसको पनीर डाल के मिक्स करके अच्छे से पका लेना है। ये मसाला देखो एकदम बढ़िया से हो चुका है। जैसे जैसे मसाला होएगा इसका कलर उतना ही प्यारा होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है। और ये मसाला भूज के हो गया, इसीलिए देखो सारा मसाला एक जगह पे इकट्ठा हो गया। जब ये इकट्ठा होने लगे और कढ़ाई में नीचे ऐसे चिपकने लगे जैसे अभी चिपक रहा है, तो मतलब आपका मसाला पूरी तरीके से अच्छे से रेडी है। इसका यही एक सीक्रेट है, जितने अच्छे से आप मसाला इसका पकाएंगे 4 घंटे नौटंकी जैसे मैंने अभी की है सेम टू सेम,
आप भी करेंगे तो आपका भी पनीर उतना ही बढ़िया बन के आएगा। इसका यही एक सीक्रेट है, इसके मसालों को खूब बढ़िया से अच्छे से भूजो। जितना आप इसको भूजेंगे उतना बढ़िया ये बनता जाएगा। देखो ये ऐसे नीचे चिपकेगा जैसे अभी चिपक रहा है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। बनने के बाद ग्रेवी इतनी होनी चाहिए, तो इसमें पकने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी और इसमें नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालना क्योंकि हमने पहले भी नमक इसमें डाला हुआ है। नमक कम हो जाएगा चलेगा, फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा नमक, अब इसको ढक के पकाएंगे। इसमें पानी तो डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी जब भी डालें तो दोनों पाम के बीच में उसको रख के बढ़िया से क्रश करके डालें। इससे जो उसकी स्मेल होती है कस्तूरी मेथी की, खुशबू, वो और स्ट्रांगली आती है। हाथों की गर्मी से जब वो रब होता है तो उसका फ्लेवर निकल के अच्छे से आता है। मिला के अच्छे से ढक देंगे। यार मेरी तो हालत खराब हो गई इतने देर से। किचन में गर्मी में थी, बहुत गर्म हो रहा है किचन में। तो जब ये बन जाएगा तब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसे बनना है। तो दोस्तों जो है मटर पनीर रेडी हो गया है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। और मैं टेस्ट करती हूँ, देखूँ कैसा बनाया है रानी ने, अच्छा बना है कि नहीं। बहुत टेस्टी बना है। सेम बनाइएगा, उसमें जो इसने टमाटर और कांदा भून के बनाया था ना, स्पेशली ये जो है ना वो सीक्रेट है उसका। उससे ना फ्लेवर और बढ़िया, कलर और फ्लेवर दोनों एक नंबर का हो जाता है। अब मैं नहीं बोलूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे पानी आ रहा है।